तो आज अपन डिस्कशन करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। कल अपन ने इसका हेडिंग डाला था और आपको प्रूफ करने को दिया था कि जो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, वेयर एस इज दी सेमी पेरीमीटर ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल, चारों साइड्स की लेंथ का सम बाई टू। ये डायग्राम कल आपने बनाया है, तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। आज अपन इसका प्रूफ करेंगे और इसी के प्रूफ के साथ साथ कुछ अपन को इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है। तो आज टोटली अपन ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे डिस्कशन करना है, ठीक है। सो मूव ऑन टू दी अवर डिस्कशन। तो नाउ हियर टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला वेरीफिकेशन यहाँ पर तो हियर भी वेरीफाई दिस फॉर्मूला, दिस विल बी वेरीफिकेशन ऑफ एरिया। एंड टू वेरीफाई दिस, सबसे पहले जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, वो रिक्वायर्ड एरिया को अपन दो ट्राइंगल के एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी रिटन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और प्लस इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ये दो ट्राइंगल अपन ने ले लिए और ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे, कैसा होल एरिया। Now to calculate this area of triangle ABC and area of triangle ADC, आप देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये दो साइड एबीसी का एरिया दिया आपको कि तो ए और बी ये साइड लेंथ पता है और इसके बीच में एंगल का साइन अपन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैन बी रिटन हाफ ए बी साइन बी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर वे में हो जाएगा हाफ सी डी साइन बी। नाउ दिस कैन बी रिटन हाफ ए बी प्लस सी डी साइन बी। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछिए, इसके इक्वेशन नंबर वन के लिए ये हमारा एरिया है। यहाँ तक आपको किसी स्टेप का डाउट है और अब मैं यहाँ पर आपको साइन बी पर कैलकुलेट करूंगा। साइन बी यदि हमारे पास आ जाएगा तो वी गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ ऑल दी साइड्स जो कि एफ माइनस ए, एफ माइनस बी, एफ माइनस सी, एफ माइनस डी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है सर? सर अरमान इन करने बोल रहा है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट तकलीफ है इसमें तो पूछो, लोकर आप लोकर सांगे जरा। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपकी आवाज ना थोड़ा बहुत कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही क्या? हाँ ओके मैं इसको ठीक वॉल्यूम बढ़ा मोबाइल का। अभी बराबर आ रही, अभी आ रही बराबर। हाँ सर, हाँ सर अभी हाँ ठीक है। अभी बराबर है, चलो ठीक। तो सर, बोलो बेटा। सर वो जो हाफ सी डी साइन डी है ना? हाँ हाँ सर, वो साइन डी का चला है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा? साइक्लिक है तो एंगल बी और हाँ एंगल सी का सम कितना होगा? 180। तो हाँ दो एंगल का सम 180 है तो उनके समझ साइन गया बराबर सर। है। चलो तो नोट करो उसको फिर। चलो तो जो बात यहाँ पर मैंने छुपा ली थी तो ये थी, यहाँ मेंशन कर लेगा साइन बी और साइन डी जो है वो बराबर, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल बी और एंगल डी का सम 180 होगा और इसलिए इनके साइन बिल्कुल बराबर होगा, साइन बी के बराबर होता है। सबसे पहले साइन डी की जगह साइन बी लिख दिया और उसके बाद हाफ ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी साइन बी आ गया। तो इक्वेशन वन नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अपन फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। अब मैं पूरा फोकस कर रखूंगा अपना साइन डी पे, मैं अब आपके लिए साइन डी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। हो गया नोट?
पांच हो, डन चले आगे। हाँ सर। तो इक्वेशन वन को ध्यान में रखना है, और मैं बता रहा हूँ। डायग्राम मेरे को रिक्वायर्ड है, इसलिए डायग्राम में लगा रहा हूँ, डायग्राम में ऐसे करता हूँ। तो उसके बाद भी मूव ऑन टू, देखिए ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी जो आपका कोसाइन रूल होता है, वो कोसाइन रूल पे साइड ए सी स्क्वायर कैन बी रिटन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन बी और कॉस बी, ये कोसाइन रूल होता है। कोसाइन रूल ले लिया कॉस बी। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में यदि आप देखोगे तो दिस एसी कैन आल्सो बी रिटन एसी स्क्वायर, ट्राइंगल एबीसी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू बी सी डी कॉस बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीसी दोनों में मेंशन कर दे रहा हूँ, ऑब्लिक ट्राइंगल एबीसी, एबीसी या फिर एबीसी। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू मैंने एक बार ए बी सी से लिखा है, और ए सी स्क्वायर का वैल्यू कोसाइन रूल से मैंने इन टर्म्स ऑफ सी डी लिखा, ठीक है। अब यहां भी आप देखो ए सी स्क्वायर जो है इसको तो अपन छोड़ के चल रहे हैं, बाकी जो अपन ने दो इक्वेशन लिखे हैं वहां पर कॉस बी और कॉस डी में क्या रिलेशन होगा। तो जैसे साइन बी बराबर साइन डी होता है, बट कॉस बी बराबर माइनस कॉस डी होता है, तो इससे यह भी क्या का रिलेशन। सो नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, नाउ वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस बी इट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू सी डी कॉस बी। और उसके पीछे रीजन क्या है कि कॉस बी जो है वो माइनस ऑफ कॉस डी के बराबर, ये रीजन हमें कॉस बी बराबर माइनस ऑफ कॉस डी, तो मैंने कॉस डी की जगह माइनस कॉस बी है। नाउ हियर से अपन को वैल्यू मिल जाएगा कॉस बी का, कॉस बी का वैल्यू कितना आता है, कॉस बी का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सी डी। देख लीजिए कॉस बी तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये अपना एक पड़ाव। यहाँ पर एंगल बी का मैंने कॉस निकाल लिया, ये इक्वेशन नंबर दो है। इक्वेशन वन हमारा डेल्टा बराबर हाफ ए बी प्लस सी डी साइन बी था, और दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल बी निकालेंगे कॉस बी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सी डी, समझ गया यहाँ पर प्रणव। प्रणव आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, अथर्व एंटर कर रहे हैं, अथर्व एंटर कर रहे हैं। और नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कॉस बी मिल गया बट हम साइन बी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब इस इक्वेशन के बाद हियर वी स्टार्ट फ्रॉम देयर, नाउ वी नो दैट कि साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देता हूँ कॉस का, वो कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स ऑफ ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर। ये मैंने कॉस बी की वैल्यू डाली,
एस का पूरा स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया, नॉट टेकिंग एलसीएम. तो दिस स्टेप कैन बी रिटेन 2ab प्लस 2cd माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ ab प्लस cd का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ab प्लस cd का स्क्वायर. ठीक है, नोट कर लिए यहाँ तक विदाउट है तो पूछो. मैं यहाँ पर cos b अपने लिए मेंशन करता हूँ. cos b का वैल्यू अपन ने निकाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ab प्लस c. ठीक है, उसका यहाँ तक हो गया नोट. जी सर. सर नोट करने भूल गया मैं, सॉल्व मुझे लग रहा है मेरा आएगा आएगा तो मैं खुद का ही सॉल्व किया जा रहा, मैं स्क्रीनशॉट खींच लिया. सर सर आपने नीचे में कुछ लिखा क्या? लिख ही नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे. वो तुम्हारे लिए नहीं लिखा है, ऊपर के रिजल्ट बने ना वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. तुम्हारे लिए है वो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना बता रहा हूँ ये वाला रिजल्ट. हाँ सर. हाँ इतना तक आपका काम था. ठीक है, चले आगे. तो नाउ हियर अपन साइन स्क्वायर थी तक पहुंच गए और अब फर्दर कैलकुलेशन है, देखो क्या जाएगा. थोड़ा सा प्रूफ बड़ा है लेकिन एक बात कर लेंगे, उसमें काफी सारी चीजें हमको देखनी है, इसलिए मैं इस प्रूफ को पूरा लेके चलता हूँ. तो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा. ये हम साइन स्क्वायर बी के बराबर लेके चल रहे हैं, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये साइन स्क्वायर बी के बराबर है. तो नाउ साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है ये वाला इधर फोकस करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से अपन क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों का सम लिख लीजिए. तो कितना आता है, टू ए बी साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में दोनों का सम लिखेंगे. तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, देखिए मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में इन दोनों का सम. जब आप इन दोनों का सम लिखेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. और बाकी जो टर्म बचे 2cd माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ये c माइनस डी का होल स्क्वायर. तो ये आ गया एक ब्रैकेट में दोनों का सम और एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस. तो जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट करोगे तो ये बनता है c प्लस डी का स्क्वायर और a माइनस बी का. अच्छी देखिए आप ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को हाथ नहीं लगाना, डिनोमिनेटर अपन ऐसे करते हैं पूरा अब ऐसा चलेगा, इसको कुछ नहीं बिगाड़ना है. ए बी प्लस सी डी होल स्क्टर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी देता है. ऑलमोस्ट अपन रिजल्ट पे पहुंच गए. और अब देखिए अगेन इन द न्यूमरेटर, यहाँ इन ब्रैकेट आप एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में दोनों का सम और एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस. जब दोनों का डिफरेंस होगी तो ऐसा. अब आप ये बता सकते हो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी को अपन कितना लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2s माइनस 2d. ये अपन ने ट्रायंगल में भी देखा.
अब ये दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2p। ऐसे ही ये वाले ब्रैकेट से क्या क्या आएंगे, 2x माइनस 2a और 2x माइनस 2b, चार बातें हैं। तो न्यूमरेटर आपका इतना हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर ऐसा है 4 टाइम्स ऑफ ab प्लस cd का स्क्वायर, ab प्लस cd का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में से दो 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 टोटल 16 बाहर आएगा, 16 को 4 से कैंसिल कर दिया, तो नाउ न्यूमरेटर में 4 टाइम्स ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d, और डिनोमिनेटर में ओनली आपके पास बचा व्हाट, ab प्लस cd का स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर है, ये साइन स्क्वायर b के बराबर। और फाइनली अब देखिए ये आ गया अपना रिजल्ट। तो नाउ फ्रॉम दिस ये वाला 4 और ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों साइन के साथ दिखिए, आपको कैसा दिखेगा, ये 1 अपॉन 4 ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, ये बराबर आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी। और ये लास्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा इतना। और आप देखो ये आपने सबसे पहला इक्वेशन लिखा था, यही तो आपने डेल्टा बनाया था एरिया, और ये डेल्टा कितना निकल के आ गया, पूरी साइड के टर्म्स में आ जाता है ये रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो दिस इज दी वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, इस तरीके से ये प्रूव होता है कि ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है हाफ ए बी प्लस सी डी साइन बी, यही एरिया ऑफ बॉडी वेक्टर आपने लिया, इसको मैंने फिर डेल्टा से दिया। तो यह भी प्रूव की फॉर्मूला, इस तरीके से साइक्लिक पॉलीलेक्टर का एरिया कितना शो होता है, इसको नोट कर लें, और अब कोई डाउट है तो पूछें। कहीं कुछ भी आपको डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिएगा, आप दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो एकदम रट जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात हमने इसमें नहीं करी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करके हाफ ए बी प्लस सी डी साइन बी बनाया, और अब मैंने यहाँ पर ये शो कर दिया कि हाफ ए बी प्लस सी डी साइन बी की वैल्यू इतनी है। तो ये शो करने के लिए सबसे पहले अपन ए सी स्क्वायर लेके चले हैं, वो साइन रूल से ए सी स्क्वायर को ए बी और सी डी के टर्म्स में लिखा, तो वहां से आपको कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू मिलता है, कॉस स्क्वायर बी से अपन साइन स्क्वायर बी पे पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से साइन स्क्वायर बी की कैलकुलेशन आपके सामने है, बी गेट दी रिजल्ट। ठीक है, नोट ये, कोई डाउट है तो पूछिए। सर वो इक्वल पर ट्रायंगल क्यों लिखे, एरिया एरिया है वो, एरिया वहां पे लिख लेना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डेल्टा एरिया को डिनोट करता है ना, यहाँ पर अपन क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया डिनोट करें। ठीक है, चलिए आंचल समझ गया तुमको, आंचल जामगाड़े। यस सर। ओके अनवेशा, तुम्हें कोई डाउट, अनवेशा है डाउट, नो डाउट। ओके दीपिका सिंह क्लियर है, दीपिका। यस सर। भुवन पाटिल तुमको कोई डाउट है, भुवन भुवन आवाज आ रहा है, भुवन पाटिल भुवन पाटिल अथर्वा तुमको कोई डाउट, अथर्वा आवाज आ रहा है,
हिमांशु आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर आ रही है सर आवाज। चलो ठीक, ये दो बच्चे पता नहीं कहाँ, भुवन पाटे अथर्वन का आवाज ही नहीं आ रहा। अरमान तुमको वॉइस क्लियर है? यस सर। चलो ठीक, तो नोट कर लीजिए और अब अपन इसमें सेकंड बात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, फॉर्मूला वेरिफिकेशन आपसे कहीं नहीं पूछेंगे, लेकिन वेरीफाई करते करते हमको कुछ रिजल्ट वेरीफाई और करने हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, वहाँ पर इन रिजल्ट की हमको जरूरत पड़ेगी जो बीच बीच में बने हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये प्रूफ कराया हूँ। वैसे तो आप एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद रखें, चारों साइड्स के टर्म्स में स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी होता है, वेयर एस इज दी सेमी पेरीमीटर ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू होगा स्मॉल एस का वैल्यू। चलिए तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट बात अपनी। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको एसी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। डायगोनल की लेंथ हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, जो डायगोनल आपका बना हुआ है एसी, तो डायगोनल का लेंथ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एसी का लेंथ। तो एसी का लेंथ देखिए कितना, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीन शॉट देख लिया होगा। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, आपको डायग्राम एसी का लेंथ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। एसी डायग्राम का जो लेंथ होता है आपने अभी लिखा है, लेंथ डायगोनल एसी, इस पे मैं अपना डिस्कशन रखता हूँ। डायगोनल एसी का लेंथ, लेंथ ऑफ डायगोनल एसी, तो आपने अभी ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी कोसाइन रूट से एसी स्क्वायर को आपने अभी लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस बी, और कॉस बी का जो रिजल्ट है आपने प्रीवियस प्रूफ में, प्रीवियस वेरिफिकेशन में हमने कॉस बी की वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया था शायद, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में सेकंड से अपन cos b का रिजल्ट यूज करते हैं। यहाँ पर हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ cos b फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सो वी गेट व्हाट, ये अपना a स्क्वायर एस सच है, b स्क्वायर एस सच है, माइनस का 2ab ये भी एस सच है, और अब cos b की वैल्यू डाल दी, cos b का वैल्यू आपने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ab प्लस cd, ये अपन ने cos b की वैल्यू निकाली। यहां से 2 को कैंसिल कर दी और अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, तो जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ab जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मैंने cd को मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए बी, और होल डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी डी अपना ए बी प्लस सी डी, ये अगला स्टेप। अब आप देखते हो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है और जो बचा उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ये जो पहला टर्म है और ये जो टर्म है
जब अपन को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पी स्क्वायर से सी डी मल्टीप्लाई करोगे और पी स्क्वायर से सी डी मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने दोनों में इसी कॉमन ले लिया, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इसी कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या आएगा पीडी, और ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एसी कॉमन लेंगे, एसी कॉमन लेने के बाद अंदर आपका बचेगा बीसी, एसी कॉमन ले लो तो क्या होता है बी प्लस, और बाकी जो दो टर्म है ये वाले बी स्क्वायर सी डी और डी स्क्वायर ए बी, इसमें से मैं सी डी कॉमन ले लू, बी स्क्वायर सी डी अपन को बनाना है ए डी प्लस सी डी, तो BD कॉमन ले, इन दोनों टर्म में मैंने BD कॉमन ले लिया, BD कॉमन लोगे, BD कॉमन लेने के बाद यू गेट BC, यहाँ पर BD कॉमन लेंगे तो यू गेट, क्यों ऐसा लिखा है क्योंकि अब आप देखो ये अपना फाइनल रिजल्ट बनता है AB प्लस CD, तो यहां से लास्ट स्टेप ये है AD प्लस BC दोनों में कॉमन आ जाए और AD प्लस BC कॉमन ले लेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए आप एसी का सर वो टू कैसे काटा हो थोड़ा वो सेकंड स्टेप में ये वाला टू, हाँ ये तो प्रोडक्ट में तो कट जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ये देखो ऐसा लिखा है जैसे मान लो आपके पास लिखा है थ्री माइनस टू इंटू फाइव अपॉन टू इंटू सेवन, क्या मैं ये जैसे नहीं कर सकता, दूसरा पोजे अच्छा हाँ ठीक है, और कोई डाउट किसी को, तो वो थर्ड स्टेप एक बार एक्सप्लेन करो, थर्ड स्टेप में देखो ये जो ए बी प्लस सी डी है ये एलसीएम आ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में लिख दिया, अब ए बी प्लस सी डी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले मैंने ए बी को इससे मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, फिर सी डी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ये लिख दिया, अब ये जो माइनस ए बी है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी पहले दो टर्म के साथ ये लिखा और माइनस ए बी दो टर्म के साथ लिखा है, ठीक है समझ गए इसका मानती, यस सर, और कोई डाउट किसी को, चलिए वेरी गुड, तो देखिए मैं आपको बोला था वो प्रूफ अपन ने इसमें किया था क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉस बी की जरूरत पड़ गई, मैं जब कॉस भी डाल दिया तो मेरे पास ये रिजल्ट है, अब मैं ये पूरा हटा रहा हूँ, ये फाइनल जो लास्ट अपन ने स्टेप बनाया उसको बस लास्ट में अरेंज करके दे रहा हूँ, अपन क्या लेके चल रहे थे एसी स्क्वायर, तो फाइनली हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एसी स्क्वायर, अपन को एसी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, नाउ एसी स्क्वायर कैन बी रिटन व्हाट, ए डी प्लस बी सी कॉमन आ गया, ए डी प्लस बी सी कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा AC plus BD, ये हो गया AC plus BD, और whole divided by क्या AB plus CD, this is the length of diagonal, ये चारों sides के terms में cyclic quadrilateral के diagonal का length का square है, note कर लीजिए इसको, ये diagonal की length की हमको जरूरत थी इसलिए मैंने निकाल दी है, हर बात का कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूरत है, तो अभी तक अपन ने एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने बना के आपको दिखाया और दूसरा अपन ने यहाँ पर डायगोनल एसी का लेंथ निकाल लिया, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये जो डायगोनल एसी का आपने लेंथ निकाला है इस लेंथ की हेल्प से वी गेट द सर्कम रेडियस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों तरफ ये सर्कल बना है, ये सर्कल का रेडियस कितना होगा, सर्कम रेडियस कितना है, तो आप देख रहे हो जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का सर्कम सर्कल है दिस इज ऑल्सो द सर्कम सर्कल फॉर ट्राइंगल एबीसी,
तो ट्राइंगल एबीसी का भी ये वही सर्कम सर्कल है, जो क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल है वही वही ट्राइंगल एबीसी का भी सर्कम सर्कल है। और आपने पढ़ा है सर्कम रेडियस निकालने के लिए किसी भी ट्राइंगल में दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एरिया कैलकुलेट करने का जो, हेलो हाँ सर, बाय द सिमेट्री बीडी का डायगोनल बताओ ना कैसे लिखेंगे? बीडी का भी बेटा इसके बाद में लिख रहा हूँ, तो लास्ट टॉपिक है अपना वो बीडी का डायगोनल वाले, वो भी मैं लिखूंगा और उससे अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम बताऊँ, ठीक है? तो एसी का पहले जरूरत खत्म कर लेते हैं, फिर मैं बीडी बताऊंगा आपको आज की क्लास में, ठीक है? चलिए, और अपन जानते हैं ट्राइंगल एबीसी में कैपिटल आर निकालने के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ट्राइंगल की कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल का डबल, साइन का डबल, ये अपन ने साइन रूल में पढ़ा। अब मैं ये यहाँ पर यही यूज करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर सर्कम रेडियस निकालना चाह रहा हूँ ट्राइंगल। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कम सर्कल है वो ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल है, तो ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड ले लेते हैं एसी, तो सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी और इज इक्वल टू साइड एसी और उसके अपोजिट एंगल इस साइन के ट्वाइस का रेशियो, मतलब एसी अपॉन टू साइन। मेरे पास साइन बी भी है और मैंने ऊपर एसी भी लिखा हुआ, मैं दोनों का वैल्यू बढ़ डाल दू, आप एसी का वैल्यू डालो, एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एसी इसका स्क्वायर रूट आएगा, ये मैंने लिख दिया होल स्क्वायर रूट ऑफ BD plus BC, AC plus BD, or whole divided by AB plus CD. ये अपना AC का वैल्यू है, और इट इज डिवाइडेड बाय 2 sin B. तो 2 sin B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 sin B को आप लिख सकते हो 4 डेल्टा अपॉन, सबसे पहला इक्वेशन बनाया था जो आपने वेरिफिकेशन में, आज जो सबसे पहला वेरिफिकेशन किया उसमें सबसे पहली जो इक्वेशन बनाई, उस पहली इक्वेशन को आप देखो, उस पहली इक्वेशन से 2 साइन बी का वैल्यू कितना आएगा, तो आएगा 4 डेल्टा अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा यहाँ पर एरिया है, 4 डेल्टा अपॉन एडी प्लस सी डी। सर कोई बाहर है क्लास के? हाँ ठीक है, 4 डेल्टा अपॉन एबी प्लस सी डी, इतनी बात में कोई डाउट है तो देखिए, 4 डेल्टा फर्स्ट इक्वेशन से 4 डेल्टा अपॉन एबी प्लस सी डी लिखिए, ठीक है? और नाउ ये देखो, ये रूट एबी प्लस सी डी है और ये एबी प्लस सी डी है, तो आधा कट जाएगा, तो अपन इसको कितना लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ओवर एडी प्लस बीसी, एसी प्लस बीडी और एबी प्लस सीडी और डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, डेल्टा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो अपन ने कितना निकाला है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस, यह है फाइनल रिजल्ट। फिर से सारी साइड्स के टर्म्स में मैंने सर्कम रेडियस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट कर दिया, यह है फॉर्मूला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रेडियन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सर्कम रेडियस का ये फॉर्मूला है, सारी साइड्स के लेंथ के टर्म्स में लिखा, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है कैलकुलेशन। कहीं भी कैलकुलेशन में आपको कुछ लग रहा है, नहीं समझा तो कुछ
सर वो जो अपने 4 डेल्टा लिखा है ना सर, वो ही समझाएंगे। देखो जो एरिया का फॉर्मूला अपन ने बनाया है ना, सबसे पहले इक्वेशन यहाँ में लिख रहा हूँ, एरिया का फॉर्मूला आपने ही बनाया था, हाफ ए बी प्लस सी डी साइन बी बनाया। तो अब यदि ये 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 डेल्टा अपॉन ए बी प्लस सी डी, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये साइन बी का वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे ये साइन बी की वैल्यू ले ला, 2 डेल्टा अपॉन ए बी प्लस सी डी कितना हो गया, 4 डेल्टा अपॉन ए बी प्लस सी डी। समझ गया? हाँ सर, थैंक यू सर। और भी कहीं कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लीजिए। फॉर्मूला लेकिन याद रखो, ये दूसरा फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है, सबसे पहला फॉर्मूला मेरा, मैंने जो आपको किया वो सबसे पहला फॉर्मूला अपना था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया, दूसरा अपन ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सर्कम रेडियस बनाई और साथ में हमको इसमें डायगोनल का लेंथ मिल गया, एसी का लेंथ। अब जो मयूर का क्वेश्चन था तो उसकी तरफ करते हैं। एसी की लेंथ से हमने बीडी का लेंथ लिखना है, दूसरा जो डायगोनल है बीडी, सिमेट्री से कितना है बीडी डायगोनल का लेंथ। तो बीडी डायगोनल का लेंथ का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हटा दो अभी सप्तम रेडियस का फॉर्मूला, ये याद रखिए। आप चाहो तो इसको, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो पूरे पे भी रूट लगा के, ठीक है आपने नोट कर लिया तो मैं इसको एक तरीके से और लिख देता हूँ। ये पे रूट लगाया है, ये वाला रूट हटाता हूँ, और ये जो रूट है ये मैंने कंप्लीट लगाया, ये हो गया कंप्लीट। दोनों पे एक साथ मिल जाता और बाहर इसके बम्बई को ऐसा भी लिख सकते। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी के टर्म्स में है। यदि आपको चारों साइड्स दे रखी होंगी तो आप एरिया भी बता सकते हो, और चारों साइड्स दे रखी होंगी तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सर्कम रेडियस भी। साथ में हम cos b का फॉर्मूला भी जानते हैं, तो चारों साइड्स के टर्म्स में लिखा है, तो हम किसी पर्टिकुलर एंगल का कोसाइन भी निकाल सकते हैं। फिर हम AC की लेंथ भी निकाल सकते हैं डायगोनल, AC का लेंथ आपने ये लिखा हुआ है चारों साइड्स के टर्म्स, और अब ऐसे ही मैं BD का लेंथ भी आपको बता रहा हूँ, दूसरे डायगोनल का लेंथ BD का लेंथ, दूसरा डायगोनल BD का जो लेंथ होता है वो अपन मैं थोड़ा सा चेंज कर दे और ऊपर लिख दे रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल्स एसी एंड बीडी दोनों डायगोनल का लेंथ हम मैं लिखा, लेंथ ऑफ डायगोनल एसी एंड बीडी। तो एसी का अपन ने लेंथ पहले लिखा हुआ एसी स्क्वायर का, अब बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे एसी के लिए कैलकुलेशन अपन ने की, ऐसे जब आप बीडी के लिए कैलकुलेशन करोगे तो BD स्क्वायर का जो लेंथ आता है वो आता है AB प्लस CD इंटू AC प्लस BD अपॉन AB प्लस BC। देखो ये BD स्क्वायर की लेंथ है, ये आते दोनों डायगोनल के लेंथ, ये लिखा है सर्कम रेडियस, और एरिया तो आप जानते ही, नोट करिए दोनों डायगोनल का लेंथ होता है, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये याद करने के लिए मैं एक बार आपको रिजल्ट इसके बाद बना रहा हूं, वो रिजल्ट से इसको और लंबा आप याद रख, ठीक है। तो डायगोनल
एसी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर दोनों डायगोनल के लेंथ हमारे पास आ गए, एसी क्या गया और बीडी क्या, मतलब हम पूरी जानकारी जुटा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और सारी जानकारी मैं आपको केवल साइड्स के टर्म्स में दे रहा हूँ। जब भी चारों साइड्स के लेंथ पता हो जाएंगे तब आप ये सब कैंसिल। अब देखिए बड़े ध्यान से, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पे डिस्कशन कर रहा हूँ। जब आप ये दोनों डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू, मैं ए सी स्क्वायर को बी डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ए डी प्लस बी सी ए डी प्लस बी सी से कट जाएगा और ए डी प्लस सी डी ए डी प्लस सी डी से कट जाएगा, जो आपको मिलेगा वो ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ए सी इंटू बी डी बराबर आ गया ए सी प्लस बी डी। ए सी और बी डी डायगोनल के लेंथ है और स्मॉल ए डायग्राम में देखो स्मॉल ए किसका लेंथ है, साइड ए बी का लेंथ है, स्मॉल सी किसका लेंथ है, साइड सी डी का लेंथ, स्मॉल बी किसका लेंथ है, साइड बी सी का लेंथ, और स्मॉल डी किसका लेंथ है, सी डी का लेंथ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको नोट करिए, मैं इसके आगे की जानकारी आपको। मैंने क्या किया, दोनों डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, एसी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बी गैट एसी इंटू बीडी बराबर एबी इंटू सीडी प्लस बीसी इंटू एडी, हमको ये मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट लो और अब आप देखो ये जो लिखा है हेलो सर, सर वो बोर्ड शाइन कर रहा था वो आपने बॉक्स बनाया ना, मतलब फॉर्मूला जाके लिखा है अभी भी कर रहा है। यस सर, ऐसा लगा कि पीछे लाइट चल रही है करके। ठीक है अभी ठीक है मानसू, हेलो सर दिख ही रहा हूँ। ठीक है अभी बराबर है मानसू? नहीं सर मैं नहीं हूँ सर, शायद प्रणव होगा। प्रणव है क्या? प्रणव अभी ठीक है? ठीक है सर। हाँ वो तो आई गया तो मतलब ये बिंदु पे आ रहा है तो ठीक है। यस सर वही। सर दिख तो रहा है सर वो पूरा लाइन। चलो ठीक है उसको भी दिख रहा है, चलो मैं पढ़ देता हूँ वहां पे क्या लिखा है। एसी इंटू बी डी बराबर लिखा है एपी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू बी डी। तो अब ये जो रिजल्ट आपने बनाया दिस इज नोन एज अबव रिजल्ट इज नोन एज
चार्जर इज कूलर। इनको तालेमी थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये मैथमेटिशियन थे, इनके नाम पर है ये थ्योरम, तालेमी थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है, विच स्टेट्स दैट बी प्रोडक्ट ऑफ diagonal is equal to sum of product of lengths of opposite sides. यह है ये थ्योरम। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल की लेंथ का प्रोडक्ट, मतलब एसी और बीडी का प्रोडक्ट, एसी और बीडी का प्रोडक्ट अपोजिट साइड लेंथ के प्रोडक्ट के सम के बराबर, मतलब एसी प्लस बीडी के बराबर। यह है ये थ्योरम known as Ptolemy's theorem। ये रिजल्ट तक आज हमको पहुंचना था, आज का फाइनल रिजल्ट Ptolemy's theorem। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उससे रिलेटेड बातें आज खत्म हुई, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो बेटा। सर वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला भी बोलते हैं ना? हाँ। और बोलो, कोई डाउट किसी को? सर अगर चारों साइड नहीं दी हो तो एंगल के इससे निकलता क्या फिर एरिया? केवल एंगल एंगल से कितना निकालो, कम से कम साइड तो पता होना। जैसे आपने ट्रायंगल में भी पढ़ा था, ट्रायंगल में आपको या तो तीनों साइड दिए हो, या फिर दो साइड और एक एंगल दिया हो, या फिर दो एंगल और एक साइड दिया हो। केवल एंगल एंगल से कुछ भी नहीं निकल सकता है ना, एटलीस्ट वन साइड पता होना चाहिए, ठीक है। मयूर भी हम अननोन साइड ऐसे निकाल सकते क्या कुछ? कैसे अननोन साइड दी रहेंगे तो हम निकाल सकेंगे? नहीं, कम से कम एक साइड तो गिवन हो, साइड दी होगी और कुछ एंगल। हाँ हाँ, फिर तो निकाल सकते हो ना चौथा साइड। भाई अपन डायगोनल का लेंथ निकाल लेंगे एसी का और चौथा आराम से निकल जाएगा, आप करके देखिए उसको प्रैक्टिकली। मतलब तीन साइड कम से कम एक डायगोनल दिया हो फिर आ जाता है। हाँ, ओके, चलिए तो बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, गुड नाइट, बाय, सब का केयर। हाय सर, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हाय सर, बाय बाय। हाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।